प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं, चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष। शिवरात्रि, सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2-3-4-5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है, सोमवार प्रदोष शिवरात्रि सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के आप अपने ही दरवाजे के पास एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष के। उससे हजार गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है,
प्रदोष के प्रदोष, प्रदोष काल। अगर एक समी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पादप का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक समी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं, चार या पांच प्रदोष के उस समी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, रुक नहीं सकता। उस समी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो समी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बड़ा। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री, एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 से बैठे हो, 8 से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोक लगाकर प्रणाम कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाए। जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी, एक या तो बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए, और मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं गया, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी, एक या तो बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए, और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू रू भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे, तो शिव जी का एक नाम होगा रू रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है, तो कहा शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव, शंकर का जो एक अवतार है रू रू भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है, तो कहा शमशान में, शमशान की जो अग्नि होती है, भले गीली लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में वो अग्नि रू रू आवाज, हल्की सी शमशान की जो अग्नि जलती है उसमें एक आवाज आती है, आप वैसे कोई अग्नि जलाएंगे ना आवाज नहीं आएगी, ध्यान देना हमारे शमशान में अगर जो लोग गए होंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो अगर वो एकांत में बैठेंगे तो उसमें से आवाज आती है रू रू। तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को, कांटे को रू रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने, उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है, ये करा जाता है रवि प्रदोष के लिए। कौन से प्रदोष, रवि प्रदोष के, जो सुख का भान कराती है, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दारुक नाम का जो असुर है, दारुक नाम का जो राक्षस है, उसका एक ही कहना है कि मैं मरूं, मना नहीं है ब्रह्मदेव पर, वो मरने का, नंदी का एक पांव जो ऊपर होता है, आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है, हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हैं, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है, जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, जैसे मान लो कोई
चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के सात कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। प्रदोष, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।